डीसीए। क्या आप भी डीसीए के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मुझे डीसीए करना चाहिए? आपकी भी इच्छा है डीसीए करने की? तो चलिए बताते हैं आपको डीसीए क्या है। यह एक कंप्यूटर कोर्स है जिसे डिप्लोमा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, क्या मैं इसे कर सकता हूँ? तो यदि आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो यह कोर्स कर सकते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति को कंप्यूटर की आवश्यकता है और हर व्यक्ति चाहता भी है कि मैं कंप्यूटर सीख करके कंप्यूटर ऑपरेटर बनूं तथा कंप्यूटर बेस्ड नए नए कार्य मैं खुद से कर सकूं। उसके लिए आपको कंप्यूटर कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी और उसी कोर्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि आप ऑपरेटर बने, बट डीसीए के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाने पर आप स्वयं भी कई ऑनलाइन कार्य स्वयं से कर सकते हैं। यह अधिकतम एक वर्ष का कोर्स होता है। किसी किसी इंस्टीट्यूट में एक वर्ष से पहले भी कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है, परंतु आपका जो ज्ञान होता है वह अधूरा रह जाता है। मेरा मानना है कि लगभग एक साल में ही डीसीए का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट हो पाता है। बात करें इसकी फीस की, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग फीस होती है। एक एवरेज के रूप में 10 से 15,000 रुपये पर ईयर होती है। अब इसमें सिखाया क्या जाता है? आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उनके नाम बताए जाते हैं, इन पार्टों का क्या उपयोग है, ये कैसे कार्य करते हैं, इन सब के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट टेली, फोटोशॉप, पावर पॉइंट आदि की भी संपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग भी सिखाई जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो सब सिखाई जाती हैं। ये सब सीखने के बाद आप डाटा एंट्री का काम भी पकड़ सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा वेब डिजाइनर का कार्य भी आप कर सकते हैं। तो ये रही डीसीए की डिटेल। यदि आप भी किसी इंस्टीट्यूट से डीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। मैं अंत में आपको बताना चाहूँगा, किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर कोर्स करने के पहले आपको यह जानकारी हासिल करनी होगी कि जिस इंस्टीट्यूट से हम कोर्स करने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट को किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। कई बार क्या होता है, हम कोर्स कर लेते हैं परंतु उसका सर्टिफिकेट हर जगह मान्य नहीं होता है। इसलिए हम ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हों जो सर्टिफिकेट सर्वमान्य हो। इसकी टाइमिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वर्ष का समय होता है, 2 सेमेस्टर में एग्जाम लिए जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।